जनपद कानपुर देहात थाना मूसा नगर में तैनात एसआई केपी राजन, जो कि बुलेट राजा के नाम से जाने जाते थे, कस्बे से लेकर थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने में उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम किया। ढाई वर्ष के कार्यकाल में पूर्व में रहे थाना प्रभारी से लेकर तत्कालीन थाना प्रभारी दीपक सिंह 8 वर्ष तक, जिन्होंने एसटीएफ में कार्यरत समय अपराध व अपराधियों को खत्म करने के बेताज बादशाह रहे हैं। उनका अपराध अंकुश लगाने में बहुत बड़ा सहयोग मिला। उनके हल्के में अपराध व अपराधी मानो ऐसे भयभीत जैसे कि जंगल में शेर को देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। आपको बताते चले कि उप निरीक्षक एसआई कृपाल सिंह का हस्तांतरण जिले के हाईवे पर स्थित मुंगीसापुर चौकी में चौकी इंचार्ज के पद पर हुआ है। उनकी विदाई समारोह में थाना क्षेत्र के दर्जनों गाँव के लोग मौजूद रहे। विदाई समारोह में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ ही फूल माला पहनाकर विदाई दी। मेरा ये सौभाग्य है कि मुक्ता देवी माँ के आशीर्वाद से मूसा नगर में मैंने तकरीबन 2.5 साल के आसपास लोगों की सेवा की है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरा स्थानांतरण चौकी प्रभारी मुंगीसापुर के रूप में हुआ है। आज यहाँ से विदाई संभ्रांत व्यक्ति और सम्मानित व्यक्तियों ने मुझे दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ की जनता और सभी लोगों के बारे में ये और कहना चाहूँगा कि जो भी करें अब किसी के बहकावे में आकर ना करें, और जो भी किसी को सीख दें वो अपने मनोयोग से और एक अच्छे विचार उसे दें। किसी को आगे बढ़ाने के लिए उसकी टांग खींचना गलत है, हालांकि अमूमन यहाँ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ये विचार हैं यहाँ के लिए तो प्राय होता है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि थाना अध्यक्ष महोदय दीपक साहब के अंडर रहते हुए इतना मार्गदर्शन और कार्य करने की कुशलता और उसमें जो चमक आई वो साहब की वजह से आई, और साथ थाने का जो डिसिप्लिन है और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से मेरे जितने भी काम हुए हैं वो अमूमन हुए और होते ही चले गए। आज तक किसी में भी किसी ने भी किसी काम को मना नहीं किया। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो साहब का आभार व्यक्त करता हूँ।